राजस्थान में भी स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम गुलाबी शहर जयपुर के SMS स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाग लिया। यहाँ उन्होंने राज्य के लोगों को संबोधित किया और यह विश्वास दिलाया कि एकता के जरिए ही पूरे राज्य का विकास संभव है। साथ ही राज्य सरकार के सामने जो चुनौती है उससे सरकार किस तरह निपटेगी, अपराधों की रोकथाम जैसे कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की बात कही। और परेड का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब यहाँ पर जो उल्लेखनीय काम किए हैं पुलिस विभाग के अधिकारियों को, उन्हें राष्ट्रपति पदक और पुलिस पदक से सम्मानित भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सुबह से ही 15 अगस्त के दिन झमाझम बारिश का रहा, तेज मूसलाधार बारिश भी कई इलाकों में हुई, जिसके चलते ये जो मुख्य कार्यक्रम SMS स्टेडियम में आयोजित किया गया है यहाँ पर आपको ज़्यादातर जगह खाली मिलेगी, क्योंकि बारिश ने कई लोगों को यहाँ आने से रोक दिया। लेकिन जो बच्चे थे उनका उत्साह साफ तौर पर इस कार्यक्रम को लेकर हर साल की भांति इस साल भी नजर आ रहा था। यहाँ पर कई स्कूलों के बच्चे आए हैं रंग बिरंगे पोशाक में और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की ये लोग प्रस्तुति भी देंगे। तो ऐसे में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को लेकर पूरा जोश यहाँ पर नजर आ रहा है। सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। राजस्थान वैसे भी पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है, ऐसे में सुरक्षा को लेकर यहाँ पर हाई अलर्ट का भी इंतजाम किया गया है और चप्पे चप्पे पर कड़ाई से नजर रखी जा रही है ताकि आज़ादी के इस जश्न में कोई खलल आतंकी या कोई दूसरे संगठन नहीं डाल सके। इसके अलावा सभी जिला मुख्यालयों में भी इसी तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया और वहाँ पर प्रभारी मंत्रियों ने झंडारोहण किया। जयपुर में जहाँ मुख्यमंत्री ने SMS स्टेडियम में झंडारोहण कर इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत की और लोगों का हौसला अफजाई किया, साथ ही अपनी सरकार का विजन दिखा बताया, साथ ही यह भी बता दिया कि जो विकास की बातें इस वक्त हो रही है वह केवल 4 या 5 सालों के विकास में यह नहीं हो सकता, एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सभी राजनीतिक दल सभी सरकारों की भूमिका है। विपक्ष से भी उन्होंने यही कहा कि वे सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करें, सरकार की कमियां बताएं ताकि सरकार उन कमियों को दूर करते हुए विकास के कामों को आगे बढ़ा सके। तो इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर उल्लेखनीय सेवा करने वाले पुलिस अधिकारियों और दूसरे लोगों को सम्मानित कर रहे हैं, उनके चेहरे पर हंसी साफ दिखा रही है कि वे इस तरह की जो उपलब्धि हासिल कर उनके सामने आज पुरस्कार लेने आ रहे हैं उन लोगों को पुरस्कृत करते हुए कितना ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। परेड की बात है, कुछ ही देर में परेड यहाँ पर का होगा, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की झलक भी यहाँ पर देखने को मिली। सांस्कृतिक कार्यक्रम में राजस्थान की जो कला है संस्कृति है उस विकास की एक प्रस्तुति यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम के जरिए देखने को मिली, जिसे स्कूल के कलाकारों ने और दूसरे लोक कलाकारों ने प्रस्तुत किया। तो कुल मिलाकर स्वतंत्रता दिवस का यह कार्यक्रम पूरे हर्षोल्लास के साथ उत्साह और उमंग के साथ जयपुर में भी मनाया गया। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।